नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ यूज़ ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट इसके बारे में बात करने वाला हूँ सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी सब्जेक्ट कोड नंबर वन जीरो थ्री के अंदर एग्जामिनेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूज़ ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट इन केमिकल प्लांट यानी कि आप जब भी केमिकल प्लांट में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनमोमीटर्स तो एनमोमीटर्स क्या है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेज़रिंग द स्पीड ऑफ विंड और एनी अदर मूविंग गैस दोस्तों आपको ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो पंद्रह मार्क का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है और उसमें से आपको फाइव आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से आप आपको पूरा पाँचों का जवाब देना रहता है या कभी कभी उसमें छः दिया जाएगा मीटर्स और इसके बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ यूज़ किया जाता है तो हर एक का तीन मार्क्स रहता है इसके हिसाब से आपको पंद्रह मार्क का ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एटमोमीटर ईओपरीमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ य ऑफ वाटर्स बारोमीटर्स फॉर मेजरिंग एटमोसफेरिक प्रेशर यानी कि ये जो मीटर्स है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेज़र करता है बारोग्राफ यूज इन मेट्रोलॉजी फॉर रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग ऑन पेपर द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बोलोमीटर दोस्तों ये इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो चैनल पे मेरा अपलोड होगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा दूसरी बात काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं उसकी रेडी टाइटल एंड लिंक जो है वो इस इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है आप उसमें से जाके आप जो भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं वो वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा तीसरी बात दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपका यूज़ में आता हो तो आप मेरा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं बोलोमीटर्स तो बोलोमीटर्स क्या करता है एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मेज़रिंग हीट रेडिएशन यानी कि इसका काम जो है वो हीट रेडिएशन मेज़र करना रहता है बॉम क्लोरीमीटर्स तो ये बॉम क्लोरीमीटर्स जो है वो ए स्ट्रॉन्ग मेटल वेसल्स यूज फॉर मेजरिंग हीट्स ऑफ रिएक्शंस especially heat of combustion example for determining the chlorific value of fuels burden gauge a pressure gauge for steam boiler head etc chlorimeters for determining quantity of heat evolved, absorbed or transferred cryometers a thermometer especially designed फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर यानी कि क्रायोमीटर जो है वो ऑलवेज नेगेटिव यानी कि माइनस डिग्री में जो टेम्परेचर रहता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है डेसी मीटर्स यह इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ ए गैस यानी कि गैस की डेंसिटी कितनी है वो ये डेसी से मेज़र किया जाता है डायलो टोमीटर्स एंड ऐपरेटियस यूज मेजरिंग वॉल्यूम चेंजिस ऑफ सप्टेंसिस हाइड्रोमीटर्स द मेजरिंग द डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स हाइग्रोमीटर्स, फॉर मेज़रिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर यानी कि एटमोसफियर के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है वो ये मीटर को मेज़र करने का काम है मोनोमीटर मेजरिंग गैसियस प्रेशर्स, यानी कि गैसियस प्रेशर कितना है वो मेजर करने के लिए मोनोमीटर का यूज किया जाता है फिकोनोमीटर फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी एंड कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड पायरोमीटर फॉर मेजरिंग हाई टेंपरेचर्स यानी कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर जो है वहां पे ये टाइप का मीटर जो है वो यूज होता है रोटामीटर ए डिवाइस टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड्स सलिनोमीटर्स ए टाइप ऑफ हाइडोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट सोल्यूशन बाय मेजरिंग देयर डेंसिटी सिस्मोग्राफ फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक्स एंड फिनोमिना य एसोसिएटेड विद डैम यानी कि अर्थक्वेक जो है मेज़र करने का और रिकॉर्डिंग करने का, का काम सिस्मोग्राफ करता है तो कभी कभी हमारी कंपनी के अंदर भी इस टाइप का इक्विपमेंट बिठाया जाता है ताकि हमको भी मालूम पड़े कि अर्थक्वेक का जो क्या क्या मतलब उसमें उसका रेक्टर्स क्या क्या आता रहता है उसके बारे में इसे हमें मालूम पड़ता है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर ए फोटोमीटर फॉर कंपेयरिंग टू लाइट रेडिएशन वेवलेंथ बाय वेवलेंथ स्फेरोमीटर फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल थिकनेस और क्यूरचर ऑफ स्फेरिकल सरफेसिस यानी कि ये मीटर का काम जो है वो स्मॉल थिकनेस जहाँ पे हमको मेज़र करना है वहाँ पर स्पेरोटर का यूज़ होता है टेंसीमीटर फॉर मेजरिंग वेपर प्रेशर्स यानी कि वेपर का प्रेशर कितना रहता है वो जो है वो वहाँ पे टेंसीमीटर हमको यूज़ होता है टेंसीोमीटर एंड एप्रोट फॉर मेजरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड सेकंड मोयस्चर कंटेंट ऑफ सोइल और थर्ड वन इज टेंशन इन ए वायर फाइबर और बीम थर्मो बारोग्राफ फॉर मेजरिंग एंड रेकॉर्डिंग एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंजेस्टिंग ऑफ ए थर्मोग्राफ एंड बारोग्राफ थर्मोकपल फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोग्राफ ए सेल्फ रजिस्टरिंग थर्मोमीटर टू रेकॉर्ड टेम्परेचर वेरिएशंस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए ग्राफ थर्मोमीटर्स फॉर मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर वाइस वर्जा मर्क्यूरी थर्मोमीटर गैस थर्मोमीटर वायरोमीटर रजिस्टेंस थर्मोमीटर थर्मोकपल बैकमैन थर्मोमीटर्स थर्मोमीटर के क्लिनिकल थर्मोमीटर मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोपाइल फॉर डिटेटिंग है मेजरिंग हीट रेडिएशन हीट रेडिएशन को हमको मेजर करना है तो उसके लिए थर्मोपाइल मीटर चाहिए थर्मोस्टेट फॉर मेटेनिंग ए कॉन्स्टंट टेम्परेचर बाय द यूज ऑफ एडवांस यूज ऑफ डिवाइस दैट कट्स ऑफ द सप्लाय ऑफ हीट वेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज एक्सीडेड एंड ऑटोमेटिकली रिस्टोर द सप्लाय वेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो दैट रिक्वायर्स विस्कोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ विस्क विस्को सिटी यानी कि विस्को सिटी मेजर हमें करना है तो उसके लिए विस्को मीटर यूज किया जाता है स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा एक्विजिशन सिस्टम थैंक यू दोस्तों